वेलकम इन चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला। पिछली वीडियो दे विच आपां जिहड़े ग्रामर दे पंजाबी ग्रामर दे एम सी क्यू सॉल्व किए सीगे, जिन्हां दे विचों 25 दे करीब आपां ने जिहड़े एम सी क्यू सीगे उह सॉल्व किए ने। अज आपां उस एम सी क्यूज़ की सीरीज़ दे विचों पंजाबी ग्रामर दे जिहड़े अगले एम सी क्यूज़ ने उह भी अज सॉल्व करांगे, ठीक है जी। उस तो पहलां साडी जिहड़ी चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला दी ऐप आ उहनूं तुसीं डाउनलोड कर लैणा, ठीक है जी। लिंक जिहड़ा गा तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा। जेकर तुसीं मास्टर कैडर जिवें SST पंजाबी मैथ जां साइंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी, ये जिहड़े कोर्स ने गे मास्टर कैडर दे असीं ऐप दे उत्ते लॉन्च किए हुए हैं। ETT तो बाद जो PSTET का फस्ट पेपर होंदा उहदा भी एक स्पैशल कोर्स आ जिहड़ा असीं ऐप दे उत्ते लॉन्च किया होया गा। BEd तो बाद जिहड़ा गा PSTET का अपना सैकंड पेपर होंदा गा, उस तो उहदा भी जिहड़ा स्पैशल कोर्स असीं ऐप दे उत्ते लॉन्च किया होया गा। पंजाब पुलिस का भी एक स्पैशल कोर्स जिहड़ा तुहानूं ऐप दे उत्ते प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा, ठीक है जी। लैक्चरर कैडर दे लई वी तुसीं साडी जिहड़ी ऐप आ उहनूं इंस्टॉल कर सकदे होगे प्ले स्टोर तो या ऐप स्टोर तो। लैक्चरर कैडर के लिए जिवें SST पंजाबी या पोलीटिकल के भी स्पैशल कोर्स तुहानू ऐप के उत्ते मिल जाएंगे। पंजाब जॉब एग्जाम्स स्पैशल कोर्स जिहड़ा असीं ऐप के उत्ते लॉन्च किया होगा, SSC दे विचों BSF CRPF ते आर्मी का जिहड़ा स्पैशल कोर्स वह भी तुहानू ऐप के उत्ते मिल जाऊगा, ठीक है जी। जेकर तुसीं UPSC या PPSC की तैयारी कर रहे हो तो इहदा भी एक स्पैशल कोर्स जिहड़ा असीं ऐप के उत्ते लॉन्च किया होगा। ऐप नूं इंस्टॉल करके तुसीं जिहड़ा भी कोर्स कर रहे होगे, ठीक है जी, उहदे रिलेटड जिहड़ा कोर्स तुसीं उहनूं खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। ऐप का जिहड़ा तुहानूं जेकर तुसीं प्ले स्टोर तो या ऐप स्टोर तो डाउनलोड कर रहे हो तो इस प्रकार का जिहड़ा तुहानूं लोगो देखण नूं मिलेगा। वैसे इहदा लिंक जिहड़ा गा असीं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा। पिछलियां वीडियोज़ या जिहड़े भी सब्जेक्ट की तुसीं वीडियो देखना चाहते हो तो वह भी प्लेलिस्ट तुहानूं जिहड़ियां ने डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करवा दित्तियां जाणगियां। प्लेलिस्ट का जिहड़ा लिंक आ तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा जेकर तुसीं पहलियां वीडियोज़ नहीं देखियां, ठीक है जी। क्योंकि अगली वीडियो देखण दा मोटिव यह हुंदा, जेकर पहली वीडियो देखी आ तां अगली वीडियो दे विच ही उही चीज़ां जिहड़ियां वार वार कवर हो जांदियां ने। मोर इनफॉर्मेशन दे लई जां नवीं जिहड़ियां असीं अपडेट्स इंस्टाग्राम के उत्ते पेज के उत्ते जिहड़ियां अपलोड करते रहने तो उहदे लई तुसीं साडा जिहड़ा इंस्टाग्राम पेज चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला उहनूं फॉलो कर लेना। फेसबुक के उत्ते भी साडा जिहड़ा चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला का पेज आ उहनूं तुसीं फॉलो कर लेना, ठीक है जी। नवीं अपडेट्स असीं उहदे उत्ते जिहड़ियां अपलोड करते रहने गे। यूट्यूब चैनल चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला नूं सबसक्राइब कर लेना, बैल आइकन नूं प्रेस करके रखना तां कि कोई भी वीडियो जिहड़ी असीं अपलोड करदे आ उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तों जिहड़ा मिस ना होवे। WhatsApp के उत्ते भी साडे नाल जिहड़ा कम्यूनिटी के जरिए तुसीं अटैच हो सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है जी। कम्यूनिटी के विच वी असीं जिहड़ियां नवीं अपडेट्स आउंदियां ने अपलोड करते रहने आ ते कम्यूनिटी का जिहड़ा लिंक आ उह भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन के विच प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा तां कि WhatsApp के जरिए भी तुसीं साडे नाल कंटैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उस तों बाद जिहड़े आपां पंजाबी ग्रामर के जिहड़े अगले MCQs ने उहनां नूं सॉल्व करांगे, ठीक है जी। तो सब तो पहला अपने कोल पहला जिहड़ा MCQ बन के आउंदा पंजाबी ग्रामर के उप बोलियां के बन के आया, ठीक है जी। रोपड़ के उपभाषा बोली जाती है तो रोपड़ के उपभाषा बोली जाती है अपने कोल, तो यदि डी ऑप्शन आ जी सही होजूगी, पुआधी उपभाषा जी रोपड़ के बोली जाती है, क्योंकि आपां कीता ही होगा जिहड़ा बाकी दीआं उपभाषावां ने माझी जिवें आपां चार जिलों के कीती हुई है, दुआबी चार जिलों के कीती हुई है, 15 जिलों के जिहड़ी मलवई बोली जाती है, तो पूर्वी हिस्सों के थोड़ी जी पुआधी बोली जाती है, तो पूर्वी हिस्सों के जिहड़ा साडा रोपड़ का एरिया वो आ जाता, ठीक है जी। तो इत्थे की बोली जाती है पुआधी जिहड़ी उपभाषा बोली जाऊगी। उस तो बाद अपने कोल आ गए जी पप्पा फफ्फा बब्बा भब्बा मम्मा किहड़े व्यंजन ने, तो पप्पा फफ्फा बब्बा भब्बा मम्मा जदों असीं उचारदे आ तां साडे जिहड़े लिप्स ने उह आपस दे विच अटैच हुंदे ने जुड़दे ने, तां करके इहनां नूं आपां बोलांगे दो होंठी जां होंठी व्यंजन, ठीक है जी। दंती व्यंजन आपां जिहड़े पिछली वीडियो दे विच कवर कीते होए ने सारे व्यंजन लगभग, तां इत्थे अपने कोल पप्पा फफ्फा बब्बा भब्बा मम्मा जिहड़े व्यंजनां बारे पुछिआ गया सी तां इहनां नूं आपां बोलांगे होंठी व्यंजन जां दो होंठी व्यंजन, तां इहदी जिहड़ी डी ऑप्शन आ उह सही होजूगी, ठीक है जी। कंठी व्यंजन जिहड़े आपां कक्का खक्खा गग्गा कग्गा वह वाले थोनों करवाए थे, ताल भी आप पिछली वीडियो के जो सॉल्व किए हुए हैं, अगे भी जोड़े अपने क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। उस तो बाद अपने को जे आ गए गुरमुखी लिपि कि लगां की वरतों होंगी है, तो गुरमुखी लिपि के लगां की वरतों जी होंगी 10 लगां की वरतों होंगी है, ठीक है जी। लगा खर की जी वरतों होंगी 3 ने गए बिंदी टिप्पी तो अदक, ठीक है जी। तो 10 तुम लगां मात्रावां याद रखनिया ने, ठीक है जी। लगां किनिया ने अपने को लगां मात्रावां 10 ने गिया, 10 जिहड़ियां आपां ने याद रखनिया कि 10 ने एक बार अनाउंस कर देना, ठीक है जी। तो 10 जिहड़ियां अपने को लगां मात्रावां ने मुक्ता
कन्ना सियारी बिहारी औंकड़ दलैंकड़ लाम दलाम होड़ा तो कनौड़ा जिहड़ियां अपने कोल दस लगा मात्रावां ने तां इहनां दी गिणती पुछी गई है तां दस आ कई बार पुछया जा सकता इहनां दे विचों लगा मात्रावां किहड़ियां ने तां उह दस तुसीं याद कर लैणियां मोस्टली आपां जिहड़ा मुक्ते नूं नहीं गिणदे तां करके नौ दी गिणती अपने कोल वार वार आउंदी आ तां दस लगा मात्रावां तुसीं याद कीतियां दस किहड़ियां ने तां उहदे विच मुक्ते नूं वी ऐड करना हुंदा आपां उस तो बाद जिहड़ा अपने कोल क्वेश्चन बन के आउंदा गा उआं अइयां नाणा नन्ना मम्मा किहड़े व्यंजन ने तो यह अपने कोल व्यंजन ने जी नासकी व्यंजन आपां तुहानूं पढ़ाया सीगा पिछली वीडियो दे विच भी तो यह नासकी व्यंजन ने इन्हां नूं नासकी जां अनुनासकी भी बोल दिंदे आ दो होंठी जिहड़े आपां पिछली वीडियो दे विच कवर करके आए हैं ठीक है जी पिछले क्वेश्चन दे विच कवर करके आए हैं उन्होंने दो होंठी बोलदे आ पप्पा फफा बब्बा पप्पा मम्मा यह जिहड़े ने अपने कोल नक्क दे विचों आवाज़ कढ़दे तां नासकी व्यंजन इन्हां नूं बोलिया जांदा जां अनुनासकी भी इन्हां नूं ही बोलिया जांदा कई वारी अनुनासकी लिखिया जांदा ठीक है जी उस तों बाद अपने कोल जिहड़ा अगला क्वेश्चन बन के आउंदा दो होंठी व्यंजन किहड़े हुंदे ने तां दो होंठी व्यंजन आपां देखांगे जी किहड़े हुंदे नेगे आपां पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा यह पढ़े ने तां पप्पा फफा बब्बा तां पप्पा ते बब्बा अपने कोल डी ऑप्शन दे विच आउंदे ने सी ऑप्शन दे विच जिहड़ा कल्ला बब्बा आउंदा जदों तां दा आउंदा तां उह दंती अपने कोल आउंदा तत्ते वाली लाइन चों तां अपने कोल कंठी आ गए ठीक है जी अपने कोल ताल भी आ गए ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਪਾ ਅਤੇ ਬੱਬਾ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਬਾ ਪੱਪਾ ਅਤੇ ਬੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਪਾ ਅਤੇ ਬੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਜਾਂ ਤਤਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤਤਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਤਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਸਮ ਜਾਂ ਤਤਭਾਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਗਾਖਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਖਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਖਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ ਸੇ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੇ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਿੰਨ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਖਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿੱਪੀ ਜਾਂ ਅੱਧਕ ਦੋ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਗਾਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਕ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਸੱਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਲਗਾਖਰ ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਧਕ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਸੇ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਟਿੱਪੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅੱਧਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਊੜਾ ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਅਤੇ
ईडी ये तीन अपने को स्वर ने ते 38 अपने को व्यंजन ने शुद्ध व्यंजन जड़े अपने को 29 ने यह भी याद रखना तो इतने पूछा गया जी मुक्ते के रूप में किहड़ा वरत्या जाता तो कल्ले उड़े तो भी आपां देखिया कोई शब्द जड़ा नहीं बनता तो कल्ले ईड़ी तो भी कोई शब्द जड़ा नहीं बनता कल्ले आड़े तो शब्द बन जाता मुक्ते के रूप में जड़ा स्वर यूज हुंदा आड़ा यूज हुंदा अपने को क्योंकि आड़े तो आपां बना सकते हैं ठीक है जी जिवें अखंडता तो आड़ा जिहड़ा मुक्ते के रूप में इत्थे यूज हो गया आड़े दे नाल कोई भी लगा मात्रा जिहड़ी उह नहीं लगी आड़े ने मुक्ते के रूप दे विच आ के ही जिहड़ा शब्द बनाता तो इहदी वरतों जिहड़ी आपां कह सकते भी मुक्ते के रूप दे विच हो जाती है ठीक है जी ऊड़े ते ईड़ी दी जिहड़ी मुक्ते के रूप दे विच वरतों नहीं हुंदी पर किहड़ियां किहड़ियां लगा मात्रावां नाल हुंदी आ उह वी आपां जिहड़ी अगे कवर करांगे। उस तो बाद अपने को आ गए जी गुरमुखी लिपि विच अर्ध स्वर किहड़े ने तो गुरमुखी लिपि दे विच जिहड़े अपने को अर्ध स्वर ने यईया ते बावा क्योंकि यह पूरी जिहड़ी आपदी आवाज़ वह नहीं देंदे यह अद्धी आवाज़ ही अपनी देंदे यईया बावा ठीक है जी तां करके यह अर्ध स्वर ने जिहड़े अपने कोले आप पढ़े सीगे नासकी जिहड़े व्यंजन आ गए अपने कोले ऊड़ा आड़ा ईड़ी जिहड़े अपने कोले स्वर आ गए ठीक है जी हाहा जिहड़ा अपने कोले कंडी व्यंजन आ गया रारा जिहड़ा अपने कोले कंबवां व्यंजन आ गया बावा अपने कोले जिहड़ा अर्ध स्वर आ गया ठीक है जी तो इत्थों आपां इहनां नूं भी कवर जिहड़ा इक वार कर लैणा गा। उस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा क्वेश्चन बन के आउंदा गा जिहड़े शब्द किसी मनुख वस्तु जीव स्थान का बोध कराउण उन्हां नूं की कहा जाता तो जिहड़े शब्द आपां नूं किसी मनुख बारे कहण दा मतलब आपां इंग्लिश दे विच भी करदे हुंदे आ परसन थिंग ठीक है जी एनीमल और प्लेस का जिहड़ा आपां नूं ज्ञान कराउण उन्हां नूं आपां नाउन बोलदे आ इंग्लिश दे विच तां इत्थे भी आपां नूं सेम उही कहा गया गा मनुख वस्तु जीव स्थान का जिहड़े बोध कराउंदे आ तां उन्हां नूं आपां नाव कहिंदे आ कहण दा मतलब किसी के नाम बारे आपां नूं दसदे ने तां इन्हां नूं आपां ना बोलांगे। किरिया काल सहित किसी काम के होण दा जिहड़ा आपां नूं पता दसदी आ भी कोई काम होया जां नहीं होया ठीक है जी वह आपां नूं की आपां किरिया दे विच पढ़ांगे। नाम दी थां ते जिहड़े शब्द आपां वरत लैने भी वार वार जिहड़ा आपां नाम नूं ना वरतीए तां उहदी जगह ते आपां प्रणाम दा यूज़ करदे आ। योजक जिहड़ा गा दो स्वतंत्र जां दो अधीन वाकां नूं आपस दे विच जोड़न दे लई जिहड़ा दो वाकां नूं जोड़दा संबंधक जिहड़ा संबंध प्रगट करदा पर योजक जिहड़ा गा दो वाकां नूं आपस दे विच जोड़दा उह वी आपां अगे पढ़ांगे योजक दे विचों ठीक है जी उहनूं योजक बोलदे आ। पर इत्थे आपां नूं पुछिया गया सी आइडेंटिफिकेशन जिहड़ा आपां नूं मनुख वस्तु जीव ते स्थान दे दिंदा गा तां उहनूं आपां ना बोलांगे तां करके अपनी डी ऑप्शन आ जिहड़ी उह सही हो जूगी। उस तो बाद जिहड़ा अपने कोल अगला क्वेश्चन बन के आउंदा गा जिहड़े शब्द किसी खास स्थान लई जां चीज़ लई वरते जाण उहनां नूं किहड़ा नाम कहा जाता तां जिहड़े शब्द किसी खास चीज़ दे लई वरते जाण तां उहनां नूं आपां खास नाम दे नाल ही अंकित करांगे ठीक है जी। बहुत सौखा जिहड़ा क्वेश्चन हैगा जिहड़े चीज़ आम चीज़ां लई वरते जांदे जां आपां नूं इक्को जिहियां कई चीज़ां मिल जाण जिवें आपां कह लईए कुर्सी तां कुर्सी आपां नूं इक वर्गियां होर कई कुर्सियां मिल जाणगियां तां उहनां नूं आपां आम नाम दे विच लवांगे ठीक है जी। इकट्ठवाचक किसी भी ग्रुप नूं जिहड़ी चीज़ रीप्रजेंट करदी आ उहनूं आपां इकट्ठवाचक दे विच लवांगे जां समूहवाचक वी कह सकदे इहनूं आपां। भाववाचक नाम जिहड़ियां चीज़ां नूं सिर्फ आपां महसूस कर सकदे आ सू नहीं सकदे ठीक है जी उहनां नूं आपां भाववाचक नाम दे विच पढ़ांगे तो इत्थे अपना जिहड़ा खास नाम सही हो जूगा खास वस्तुआं बारे आपां नूं ज्ञान जिहड़ी चीज़ कराउंदी आ। उस तों बाद जिहड़े शब्द चीज़ां दे समूह जां इकट्ठ लई वरते जाण उहनां नूं किहड़े उहनां नूं की कहा जांदा है तां उहनां नूं जी अपने कोल इकट्ठवाचक नाम कहा जाऊगा जिहड़े शब्द किसे समूह जां इकट्ठ लई वरते जांदे आ तां उहनूं इकट्ठवाचक नाम जां समूहवाचक नाम भी आपां कह सकते हैं ठीक है जी। बाकी भाववाचक नाम बारे आपां पिछले क्वेश्चन दे विच जिहड़ी डिस्कस कर ही ली। उस तो बाद अपना अगला क्वेश्चन जिहड़ा अपने कोल बन के आउंदा गा जिहड़े शब्दों तों किसे तौलियां जां मिणियां जाण वालियां चीज़ां दा ज्ञान होवे उहनां नूं की कहा जांदा तां जिहड़ियां तों आपां नूं जिहड़ियां चीज़ां तौलियां जां मिणियां जांदियां ने उहनां नूं आपां मटीरियल नाउन भाव वस्तुवाचक नाम दे नाल ही अंकित करदे आं तां इत्थे डी ऑप्शन जिहड़ी उह सही हो जूगी अपने कोल ठीक है जी। इस तों बाद जिहड़ा अपने कोल अगला क्वेश्चन बन के आउंदा गा तां वस्तुवाचक नाम याद रखना तौलियां जां मिणियां जाण वालियां चीज़ां ने उह वस्तुवाचक नाम जां पदार्थवाचक नाम दे विच आउंदियां ने ठीक है जी। उस तों बाद अपने कोल अगला क्वेश्चन जिहड़ा बन के आउंदा गा जिहड़ियां चीज़ां ना तां वेखियां जा सकण ते ना ही सूईयां जा सकण केवल महसूस कीतियां जा सकदियां ने उहनां नूं किहड़ा नाम संबंधित है तां उहनां नूं किहड़ा नाम अंकित करदा जां उहनां नाल किहड़ा नाम संबंधित है तां उहदे नाल अपने कोल आऊगा भाववाचक नाम तां इत्थे जिहड़ी ए ऑप्शन उह सही होगी आम नाम खास नाम ते इकट्ठवाचक बारे आपां पिछले जिहड़े क्वेश्चन दे विच डिस्कस कर ली तां किहड़े किहड़े नाम किवें किवें अंकित कीते आ उह वी आपां अगे क्वेश्चन दे विच इहनां दी पहचान वी जिहड़ी तुहानूं करावांगे ठीक है जी। तां इत्थे जिहड़ी अपनी ए ऑप्शन उह सही होजू क्योंकि आपां जिहड़ियां चीज़ां नूं वेख भी नहीं सकदे सूह भी नहीं सकदे केवल महसूस ही कर सकदे आ ठीक है जी उहनां नूं आपां भाववाचक नाम कहिंदे आ जिहड़े इंग्लिश दे विच आपां अब्सट्रैक्ट नाउन बारे भी पढ़ांगे उह वी
भाववाचक नाव ही होगा। ठीक है जी, इकट्ठवाचक नाव चुनो तो इकट्ठवाचक नाव की हम आप ने पहचान करनी है तो जिहड़ी चीज़ इकट्ठ नूं दर्शाउंदी आ। तो मेज़ ते कुर्सी जिहड़ियां आम चीज़ा हो गई अपने कोल कॉमन नाउन अपने कोल आम नाम हो गया। ठीक है जी, जत्था ते टीम ये एक समूह नूं जिहड़ा एक ग्रुप नूं रीप्रजेंट करदे आ, तां करके इहनां नूं आपां इकट्ठवाचक नाव कह सकते हैं। पेंट शर्ट फिर अपने कोल जिहड़े आम आ गए, घड़ी ते साइकिल फिर अपने कोल जिहड़े आम नाम आ गए। ठीक है जी, इत्थे इकट्ठवाचक नाम जिहड़ा इक्को ही आ जत्था ते टीम, क्योंकि जत्था भी काफ़ी जिहड़ा व्यक्तियों का समूह हो सकता, टीम भी जिहड़ी बहुत सारे खिडारियों का जां बहुत सारे जिहड़े काम करन वालियां दी इक टीम हो सकती आ। तां उस च बहुत सारे जिहड़े होणगे परसन अपने कोल, तां करके उह इक ग्रुप नूं जिहड़ी रीप्रजेंट करदी आ, तां करके आपां नूं जिहड़ा इकट्ठवाचक नाव कह सकते हैं। उस तो बाद जो अपने को अगला क्वेश्चन बन के आता गा, खास नाव की पहचान करनी है। तो खास नाव आप पढ़िया भी जिहड़ी चीज़ खास हो इक्को ही हो तो उन्होंने काफ़ी लोग जोड़े वो जानते भी होंगे। ठीक है जी, तां करके उन्होंने आप खास नाव कहांगे। तो बरनाला ते सुरजीत जिहड़े अपने को खास नाव ने, क्योंकि सुरजीत आपां किसी एक पार्टिकुलर परसन लई यूज़ कर रहे हैं तां करके वह खास नाव आ। मिठास ते कड़त्तन जिहड़े आपां अगे इन्हां दी भी पहचान करांगे। ठीक है जी, मुंडा कुड़ी किहड़े हुंदे ते उच्चा नीवा इन्हां नूं आपां किहड़े नाम दे नाल अंकित करदे हां। ठीक है जी, मिठास ते कड़त्तन नूं आपां जिहड़ी महसूस करदे हां तां करके मुंडा ते कुड़ी जिहड़े आपणे कोल आम नाम आ गए। ठीक है जी, उच्चा नीवा भी आपणे कोल जिहड़े आम नाम आ गए। उस तों बाद आपणे कोल आ गया वस्तुवाचक नाम दी जिहड़ी चोण करो। तो वस्तुवाचक तो वस्तु जिहड़ा अपने कोल पदार्थ आ तो उहदी चोण करनी आ। सैना ते जमात अपने कोल इकट्ठवाचक नाम आ गए। दुख ते सुख आपां जिहड़े महसूस करदे आ भाववाचक नाम आ गए। ठीक है जी, राम ते लक्ष्मण जिहड़े किसी बंदे नूं रीप्रजेंट कर रहे आ खास परसन नूं, तां करके खास नाम आ गए। दुध ते घिओ जिहड़े अपने कोल पदार्थ आ गए तां इहनां नूं आपां मिण जां तोल सकदे आ। आपां पिछे पढ़िया सी, ठीक है जी, दुध नूं भी मिण जां तोल सकदे आ, घिओ नूं भी मिण जां तोल आपां सकदे आ। ठीक है जी, तां करके डी ऑप्शन जिहड़ी अपनी सही हो जूगी। उस तों बाद जिहड़ा अगला क्वेश्चन अपने कोल आउंदा गा, भाववाचक नाव की चोण करनी है। तो भाववाचक नाव आप पढ़िया जिन्होंने आप ना तो सूह सकते हैं, ठीक है जी, जस्ट महसूस ही कर सकते हैं। तो बग ते टीम फिर अपने को इकट्ठवाचक नाव आ गया, क्योंकि इस काफ़ी सारे व्यक्ति होंगे जिहड़े एक ग्रुप में रीप्रजेंट कर रहे हैं बग दे विच भी ते टीम दे विच भी। दुख ते सुख नूं सिर्फ आपां की आ महसूस कर सकते हैं, ठीक है जी, देख नहीं सकते ते सूह नहीं सकते, तां करके जिहड़ी बी ऑप्शन अपने को सही हो जूगी भाववाचक नाव नूं लैके। ठीक है जी, तो इतने बी ऑप्शन जी सही हो जूगी। स्कूल तो स्कूटर जिहड़े अपने को आम नाम आ गए फिर तो, ठीक है जी, तल करके बी जी ऑप्शन वह सही हैगी भाववाचक नाम अपने को दुख तो सुख हो। उस तो बाद जो खास नाम की पहचान करनी आपने, राम होशियार विद्यार्थी है। तो राम की अपने को खास नाम आप पिछे पढ़िया सी, जिहड़ा भी किसी पार्टिकुलर परसन रीप्रजेंट करता गा तो उन्होंने भी आप खास नाम के ही लें, क्योंकि राम एक परसन रीप्रजेंट कर रहे हैं जिहड़ा होशियार विद्यार्थी आ, तां करके इहनूं आपां खास दे विच लवांगे। होशियार जिहड़ा अपने कोल विशेषता होगी ये आपां जिहड़ा विशेषण दे विच कवर करांगे। ठीक है जी, इहनूं तां इत्थों इस तों बाद जिहड़ा अपने कोल अगला क्वेश्चन बन के आउंदा, वाक विच नाम दी थां ते वरते जाण वाले शब्दां नूं की कहा जांदा। वाक दे विच नाम दी थां ते जिहड़ा प्रणाम वरतदे आ तां कि नाम जिहड़ा आपां बार बार यूज़ ना करिए किसी भी चीज़ का, तां करके आपां उहदी जगह ते प्रणाम वरत लैंदे आ, ओह उहनां उसनूं इसने उस दे, तो वो जिहड़े शब्द अपने कोल आ गए प्रणाम आ गए। नाम बारे आपां पढ़ ही लिया, किरिया बारे आपां अगे पढ़ांगे। ठीक है जी, तो कारक बारे भी आपां अगली वीडियो दे विच जिहड़ा पढ़ांगे। तो इस तों बाद जिहड़ा अपने कोल आ गया जी प्रणाम जिहड़े किन्नी किस्म दे हुंदे आ, तां नाम आपां जिहड़े अगे कवर करांगे। ठीक है जी, पंज किस्म दे हुंदे आ, तां प्रणाम अपने कोल जिहड़े नेगे छे किस्म के होंगे, कि टाइप्स होंगे ने वो भी अपने को अगे दी अगे जिहड़ियां आई जाणगियां। तो पंज किस्म के आपां जिहड़े नाम पढ़े ने अगे, ठीक है जी, तीन किस्म के आपां अगे संबंधक पढ़ांगे। उस तों बाद जिहड़े अपने को अगला क्वेश्चन बन के आउंदा गा, जिहड़े प्रणाम केवल पुरखां व्यक्ति के नाम का ज्ञान कराउण उन्हां नूं किहड़ा प्रणाम कहा जाता। जिहड़ा प्रणाम जिहड़ा पुरखां जां व्यक्तियां लई वरतिया जाता उन्हूं आपां पुरखवाचक प्रणाम कहने। ठीक है जी, संबंधवाचक प्रणाम जिहड़ा संबंध पैदा करता गा, निश्चयवाचक प्रणाम उन्हूं कहांगे जिहदा आपां नूं निश्चय पूर्वक ज्ञान होवे पक्का पता होवे उन्हूं आपां निश्चयवाचक प्रणाम दे नाल अंकित करांगे। निजवाचक प्रणाम उह होगा जिथे वाक दा करता जिहड़ा उह खुद काम नूं कर रहा है, तां करके वाक दे करते नाल संबंधित होगा। ठीक है जी, वो आप निजवाचक प्रणाम के कवर करांगे। पुरखवाचक प्रणाम में किन्ने किस्म के जिहड़े पुरख होंदे ने, तां इहदे विच जिहड़े तीन किस्म के आप परसन पढ़ांगे। ठीक है जी, तीन किस्म के फर्स्ट सैकंड थर्ड जिहड़े पंजाबी हुंदे ने अपने कोल, उत्तम पुरख मध्यम पुरख पुरख ते अन्या पुरख कि हुंदे ने, वह भी आप जिहड़ा अगे सॉल्व करते चलांगे। वाक विच गल करन वाले व्यक्ति नूं की कहा जांदा, तां वाक विच गल करन वाले व्यक्ति नूं आपां उत्तम पुरख कहांगे, जिहड़ा अपने कोल फर्स्ट पर्सन होगा वह गल करूगा, तां करके आपां उहनूं उत्तम पुरख जिहड़ा
कहांगे। ठीक है जी, मध्यम पुरख जिहदे नाल गल की जा रही है वह मध्यम पुरख होगा, अन्या पुरख जिहदे बारे गल की जा रही है थर्ड परसन जिन्हों आप बोलेंगे बुलारा, फिर उही आ गया अपने को जिहड़ा उत्तम पुरख नाल जिन्हों आप अंकित किया होगा। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा अपने को अगला क्वेश्चन बन के आता नाव दियाँ किन्नियाँ किस्मां होंदियां, तनाव दियाँ जिहड़ियां आप पिछे पांच टाइप्स पढ़दियां ने आम नाम, खास नाम, जिहड़ा वस्तुवाचक नाम, ठीक है जी, अगे जिहड़ा आप भाववाचक नाम किया सीगा इकट्ठवाचक नाम, तो पांच टाइप्स जिहड़ियां आप नाव दियाँ कवर कीतियां सीगियां। ये अपने जिहड़े सीगे पंजाबी ग्रामर दे कुछ एम सी क्यू से जिहड़े आप सॉल्व किए हैं, तो अगली वीडियो दे विच फिर आप जिहड़े पंजाबी ग्रामर दे एम सी क्यू सॉल्व करांगे। ठीक है जी, उस दे लई जिहड़ा तुसीं जेकर थ्योरी करना चाहुंदे हो पंजाबी दी जां किसी भी होर सबजैक्ट की जी आप एम सी क्यू भी सॉल्व करते हैं, तो जेकर तुसीं थ्योरी देखनी आ थ्योरी लई तुसीं साडे जिहड़े ऐप के उत्ते कोर्स लॉन्च किए हैं उन्होंने परचेज़ कर सकते हो। ऐप का जिहड़ा लिंक आ वह भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन के प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा। जिवें तुसीं मास्टर कैडर एस एस टी पंजाबी मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हो तो एस जिहड़ा मास्टर कैडर अपना वह एक स्पैशल कोर्स जिहड़ा सी ऐप के उत्ते लॉन्च किया होया। ए टी टी तो बाद जिहड़ा पी एस टेट का फस्ट पेपर होंदा गा इहदा भी एक स्पैशल कोर्स जिहड़ा सी ऐप के उत्ते लॉन्च किया होया। बी एड तो बाद जिहड़ा पी एस टेट का सैकंड पेपर होंदा उहदा भी एक स्पैशल कोर्स जिहड़ा सी ऐप के उत्ते लॉन्च किया होया। पंजाब पुलिस का भी स्पैशल कोर्स जिहड़ा ऐप के उत्ते लॉन्च किया होया। लैक्चरर कैडर के लिए हिस्टरी पंजाबी ते पोलीटिकल का भी स्पैशल कोर्स जिहड़ा तुहानू ऐप के उत्ते मिल जाऊगा। ठीक है जी, पंजाब जॉब एग्जाम जिवें आप ट्रिपल एस बी के एग्जाम देने एक्साइज इंस्पैक्टर वगैरह के, ठीक है जी, वह भी एक स्पैशल जिहड़ा कोर्स आ ऐप के उत्ते लॉन्च किया होया। एस एस सी का बैच भी थोड़ा ऐप के उत्ते मिल जाऊगा। जेकर तुम यू पी एस सी या पी पी एस सी की तैयारी कर रहे हो तो यू पी एस सी या पी पी एस सी का भी स्पैशल जिहड़ा कोर्स आ ऐप के उत्ते असी लॉन्च किया होया। ऐप में इंस्टॉल करके तुम उतो जे कोर्स ने उन्होंने परचेज़ कर सकते हो। ऐप में तुम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, इस प्रकार का लोगो जो थोड़ा देखने को मिलेगा। ऐप का जिहड़ा लिंक आ वह भी डिस्क्रिप्शन के प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा। नवी अपडेट्स के लिए तुम साडा जिहड़ा इंस्टाग्राम पेज चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला के नाम तो बनया होया उन्हूं फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, फेसबुक के उत्ते भी साडे जिहड़े पेज नूं लाइक करके रख सकते हो ताकि नवी जी अपडेट्स ने तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। यूट्यूब चैनल चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला सबसक्राइब कर लेना, बैल आइकन नूं प्रेस कर लेना ताकि जिहड़ी भी असीं नवीं वीडियो किसी भी टॉपिक नाल रिलेटड चाहे वह एम सी क्यू ने चाहे किसी पोस्ट नाल रिलेटड कोई अनाउंसमेंट आ वह जी अपलोड यूट्यूब के उत्ते करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँच जाए, तो करके तुसीं जिहड़ा साडा यूट्यूब चैनल उहनूं सबसक्राइब कर लेना, बैल आइकन नूं प्रेस कर लेना। वट्सएप के जरिए साडी जिहड़ी कम्यूनिटी के जरिए भी साडे नाल अटैचमेंट तुसीं कर सकते हो क्योंकि कम्यूनिटी के ग्रुप के भी असीं जिहड़ियां नवीं अपडेट्स ने वह पाते रहने हैं। ठीक है जी, उहदे लई तुसीं सानूं वट्सएप के उत्ते भी जिहड़ा वट्सएप की कम्यूनिटी का जिहड़ा लिंक आ वह भी तुहानूं जिहड़ा डिस्क्रिप्शन के प्रोवाइड करवा दिता जाऊगा। तो अज्ज अपनी जिहड़ी है पंजाबी ग्रामर की वीडियो सी जिहदे विच आपां ने 25 एम सी क्यू सॉल्व किए हैं। नंबरिंग वाइज वैसे आप जिहड़े 25 तो वध जिहड़े एम सी क्यू सॉल्व कर लए ने जिहड़े नवें बन के आ सकते हैं उन्होंने बारे भी आपां डिटेल दे विच जिहड़ा जान लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।